ऑल राइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेसन के साथ। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए बैक ट्रैक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग अभी टैप सीखेंगे, उसके बाद में जा कर के वो बैक ट्रैक पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बैक ट्रैक पे प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग जो है गाने को मेलोडियस वे में प्ले कर सकते हो, एंड जो टैब्स है उसको मेलोडियस वे में कैसे प्ले करते हो वो सीख सकते हो, वरना ऐसे तो टैब्स कोई भी बजा सकता है, राइट। बाकी जो लोग मेंबर्स नहीं है, जो बनना चाहते हैं मेंबर्स, वो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबर्स बन सकते हैं। आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस और आने वाले वीडियोस का भी जो बैक ट्रैक्स है उन सब का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लाइन के साथ। सबसे फर्स्ट लाइन जो है वो प्ले करके दिखाता हूँ कैसे प्ले करना है। ठीक है, तो ये लाइन स्टार्ट होगी 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक के साथ। 10 पे स्ट्रोक देके स्लाइड ऑन करना है 12 पे, 12 10 8। फिर से 10 पे स्ट्रोक देके स्लाइड ऑन करेंगे 12 पे। क्या प्ले कर रहे हैं हम फर्स्ट लाइन के लिए, जब कोई बात बिगड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए। ठीक है, स्टार्ट होगी 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे, 10 8 10, 12 10। अब 8 पे स्ट्रोक देके हैमर पुल ऑफ करेंगे हम लोग 10 पे, और 1 स्ट्रोक देंगे 8 पे, स्लाइड अप करेंगे 5 पे। ऐसे प्ले करना है। नेक्स्ट लाइन तुम देना साथ मेरा, सॉरी। ठीक है, ये लाइन स्टार्ट होगी 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे, 5 2nd स्ट्रिंग का, 5 1st स्ट्रिंग का, 7 5 1st स्ट्रिंग पे। 2 स्ट्रोक देंगे 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे। अब 5 पे स्ट्रोक देके हैमर पुल ऑफ करेंगे 6 पे, फिर 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे ख़त्म करेंगे। क्या प्ले कर रहे हैं हम इस लाइन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ओ हम नवा। तो ये लाइन भी स्टार्ट होगी 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे, 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 8, 5 पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन टू 8। फाइन, आई होप ये क्लियर है। अब चारों लाइन्स को जो है एक बार फिर से रिपीट करना है, तो हम साथ में स्लोली प्ले करते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर है आपको। अब इसके बाद में फिर से आपको प्ले करना है तुम देना साथ मेरा। इसके टाइप्स तो मैं बता चुका हूँ आपको। अब इसके बाद जब फिर से आप ओ हम नवा प्ले करोगे तब थोड़ा सा चेंज है ऐसे। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट होगा 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे, फिर 8th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, 7, 5 पे स्ट्रोक देके हैमर पुल ऑफ 7 पे, फिर 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग ऐसे। अब इसके बाद एक म्यूज़िक प्ले होता है जो एक्चुअल में सॉन्ग के इंट्रो में भी प्ले हुआ है, बट मैंने इंट्रो में प्ले नहीं किया था, इंट्रो का पार्ट स्किप कर दिया था, बट सेम म्यूज़िक है जो इंट्रो में भी प्ले हुआ है और अभी भी प्ले हुआ है, तो आप लोग चाहो तो इंट्रो में भी उसको प्ले कर सकते हो। तो वो म्यूज़िक पहले मैं पूरा म्यूज़िक प्ले करके दिखा दूँ, फिर हम उसको जो है 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, और एक एक पार्ट की जो टैब्स है वो एक एक करके देखेंगे, फिर चारों पार्ट्स को कंबाइन करके प्ले करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पूरा आपको प्ले करके दिखा दूँ पूरा इंट्रो कैसे प्ले हुआ है।
ठीक है, तो ऐसे पार्ट ऐसे प्ले हुआ है वो म्यूज़िक पूरा। तो अब इसको हम जो है पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, चार पार्ट में। पहला पार्ट जो हमारा रहेगा वो तो काफ़ी इजी है, बस तीन नोट्स को आपको बार बार प्ले करना है, 3 बार ऐसे। ठीक है, तो 12, 11, 12 को 3 बार प्ले करना है। म्यूजिक के फील के हिसाब से हल्का सा पॉज दे देंगे, उसके बाद में 12 प्ले करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग का, 10, 8। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट कंबाइन करके कैसे साउंड करेंगे। ठीक है, आई होप याद क्लियर है, फर्स्ट दो पार्ट्स क्लियर हो गए आपको। थर्ड पार्ट ऐसे प्ले करना है, फिर से सेम पैटर्न है, सेम टाइप से जो रिपीट हुए है। तो 8 7 सेवन पे शौक देखे हैमर 8 पे, फिर से रिपीट करो इसको 8 7 सेवन पे शौक देखे हैमर 8 पे। क्या प्ले कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऐसे प्ले करेंगे, तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा फर्स्ट स्ट्रिंग पे 8th फ्रेट पे 8 7, फिर 10th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का, 10th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग का 8 7 ऐसे। ठीक है, अब चारों पार्ट्स को जो हम कंबाइन करके साथ में प्ले करते हैं स्लोली, आपको भी प्ले करना है मेरे साथ। ठीक है, तो आई होप इंटरल्यूड का म्यूज़िक आपको क्लियर हो गया कैसे प्ले करना है। कोई भी डाउट्स कन्फ्यूजन वगैरह हो तो रिटर्न टाइप्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, वहाँ से आप लोग रिटर्न टाइप्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते आगे फर्स्ट इस पे स्टैंडा पे। तो फर्स्ट लाइन ऐसे प्ले करना है उसकी, तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्टार्ट होगी 8th फ्रेट पे, स्ट्रोक देके स्लाइड करेंगे 10 पे, दो स्ट्रोक देंगे 10 पे, दो स्ट्रोक 9 पे देके स्लाइड डाउन टू 10, 10 9, फिर एक बार 9 पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन टू 10। आई वॉन्ट कि थोड़ा सा एक बार आप रिटर्न टाइप्स को भी रेफर करो इन सब, अभी जो फर्स्ट स्टैंजा हम प्ले करने वाले उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो ऐसे प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे 8 पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन करेंगे 10 पे, फाइन। अब सेकंड लाइन, तो ये लाइन स्टार्ट होगी दो स्ट्रोक के साथ 10th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर 9 पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन टू 10। अब एक और स्ट्रोक देना है 10 पे, फिर स्लाइड डाउन करना है 14 पे, सॉरी ऐसे, फिर 12 पे स्ट्रोक देके सॉरी 10 पे स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन किया 14 पे, फिर एक स्ट्रोक देंगे 12 पे और एक स्ट्रोक देंगे 12 पे, फिर स्लाइड अप करेंगे 10 पे, फिर 8 ऐसे। अब अगली लाइन, तुम अगर अंधेरों में, तो ये लाइन स्टार्ट होगी 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 8 पे स्ट्रोक देंगे स्लाइड डाउन करेंगे 12 पे, फिर दो स्ट्रोक देंगे 12 पे ऐसे। तो ये लाइन होगी तुम मगर, अब अंधेरों में के लिए 3 स्ट्रोक देंगे 12 पे, फिर स्लाइड डाउन 13 पे। तो क्या प्ले किया हमने, 8 पे स्ट्रोक देंगे 12 पे स्लाइड किया हमने, फिर दो स्ट्रोक दिए 12 पे, अब और दो स्ट्रोक देंगे 12 पे, फिर और एक स्ट्रोक देके 13 पे स्लाइड, फिर 13 पे स्ट्रोक देके वापस लेंगे 12 पे, फिर 12 पे स्ट्रोक देके वापस लेंगे 10 पे ऐसे। अब अगली लाइन, ना छोड़ना मेरा हाथ,
ठीक है, तो 10 पे शो देके स्लाइड अप करेंगे 5 पे, 2 स्ट्रोक 5 पे, और 1 स्ट्रोक 5 पे, फिर से स्लाइड डाउन करेंगे 10 पे, 2 स्ट्रोक 8 पे, हैमर पुल ऑफ 10 पे, फिर 1 स्ट्रोक 7 पे, ऐसे। अब इन चारों लाइंस को आपको एक बार फिर से रिपीट करना है, तो हम साथ में प्ले करते हैं इसको स्लोली। ठीक है, अभी तक पूरा क्लियर है आपको? इसके बाद फिर से जो जब कोई बात के लिए हमने टास्क पे लिए थे उसको फिर से रिपीट करना है, तो वो पूरा पार्ट अभी रिपीट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस गाने के टाइप सीखने में। कोई भी डाउट्स, कन्फ्यूजन या रिक्वेस्ट हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में टच में आ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी मैंने यहाँ पे देख रखी है, एंड जैसे मैंने कहा बैक ट्रैक्स जो है वो ऑलरेडी मेंबर्स के लिए अपलोड हो चुका है। बाकी जो लोग नॉन मेंबर्स है वो मेंबर्स बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर्स बन सकते हैं। एंड बाकी जो रिटर्न टैब्स है वो तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको, तो रिटर्न टैब्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देख रखी है मैंने। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।